हेलो। सो देखिए, इस ट्यूटोरियल्स में हम ये सीखेंगे है ना कि जेएसएल में कैसे काम करता हूँ। तो यहाँ पे सीएमडी टाइप करेंगे है ना। कीबोर्ड से मैंने सीएमडी टाइप किया यहाँ पे, और यहाँ पे जेएसएल लिखे, JSHEELL, जेएसएल लिखा और एंटर कर दिया। सीएमडी कमांड डाला, जेएसएल लिखा, और देखिए यहाँ पे हमारा आ गया वेलकम टू जेएसएल। ठीक है, वर्जन है इसका। ठीक है, तो हम इसमें कैसे काम करते हैं ये भी हमें जानना जरूरी है। तो हम कैसे, इसमें कमांड होता है तो हम स्लैश हेल्प करके डालेंगे। इसमें हमारे बेसिक जो कमांड होता है वो आ जाता है। क्या क्या बेसिक हमारे कमांड होते हैं, ये सारे हमारे कमांड होते हैं। लिस्ट एडिट होते हैं, ड्रॉप होते हैं, सेव होते हैं। तो मैं एक एक करके धीरे धीरे आपको बता दूंगा है ना। बट अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम इसमें कैसे क्लास क्रिएट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो इम्पोर्टेंट है, जेएसएल में कैसे काम करते हैं ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लिखता हूँ CLAELL क्लास। मेरा सिस्टम क्यों रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, अभी करने लगा। ठीक है, CLAELL क्लास। ठीक है, और हमने एक क्या किया, एक ABC करके क्लास बना लिया हमने। ठीक है, और हमने इसको स्पेस तो एंटर कर दिया और इसको क्लोज कर दिया। अभी क्या लिखा है, क्रिएटेड क्लास ABC। देखिए आपको यहाँ पे कितना सिंपल वे में आपका क्लास बन गया है ना। आपने क्लास ABC लिखा और आपका क्रिएटेड क्लास ABC हो गया है ना। अब इसी तरह हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ये तो आपने क्लास बनाना सीख लिया। हम ऑब्जेक्ट के, तो ऑब्जेक्ट हमें से हमेशा वैसे बनाना चाहिए जैसे जो यहाँ पे क्लास का नेम है उसी से ऑब्जेक्ट का नेम बनता है ना। तो कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये देखते हैं हम है ना, कि ABC। ओके, और रेफरेंस वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं ले रहा हूँ T1 इक्वल न्यू, न्यू कीवर्ड है। ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया ABC और यहाँ पे कॉलन और एंटर। क्या आ गया आपका T1, T1 रेफरेंस ऑब्जेक्ट आ गया और इस नाम से एक हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। करेक्ट। दूसरा, अगर आप बोलते हो कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे दूसरे दूसरा यहाँ पे अगर ABC है ऐसे, अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ तो क्या ऑब्जेक्ट बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, तो हम चेक कर सकते हैं। ABCD डाल दो आप है ना, इक्वल टू न्यू यहाँ पे, सॉरी रेफरेंस वेरिएबल डाल दो आप, T2 डाल दो यहाँ पे, T2 इक्वल टू न्यू और ABCD। देखो जी एरर आ गया। एरर क्या आया, कैन नॉट फाइंड द सिंबल्स। क्या आ रहा है, ABCD, क्योंकि आपका जो क्लास का नेम है वो ये तो है ABC, और आपने क्लास का नेम क्या रखा हुआ है, यहाँ पे ABCD रखा हुआ है। तो ये कैसे बनेगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इसको हम, तो आप क्या एक, अब देखो तो इंटरव्यू का एक क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या है कि एक जो क्लास का नेम है तो क्या एक क्लास के नेम से एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, ये इंटरव्यू पूछते हैं। तो आप बोल सकते हो बन सकता है जी। क्या बन सकता है, हम अब देखो कैसे बनाएंगे। ABC यहाँ पर T2 कर दिया आपने, सॉरी T2 रेफरेंस वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो आप, कुछ भी ले सकते हो। T2 मैंने, सॉरी T2 लिख दिया यहाँ पे और इक्वल टू न्यू है ना, और फिर आपने लिख दिया ABC। और देखो ABC ये और ये दोनों सेम हो जाना चाहिए एज इट इज क्लास का नेम, और आपने एंटर किया, एंटर किया। देखो जी फिर से आपका रेफरेंस वेरिएबल बन गया, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट बना दिया। तो आप एक क्लास के नेम से बहुत सारा ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है कि हम एक ही बना सकते दो। अभी आप T3 कर लो, T4 कर लो। देखो फिर दूसरा मैं बनाता हूँ ABC T3 है ना, जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे उतने में आपको मैं ऑब्जेक्ट को आप यूज कर सकते हो है ना, बट आपका मेमोरी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ABC। ठीक है, और ये देखो
ये आपका तीन ऑब्जेक्ट बन गया। अगर आपने स्लैश करके list लिस्ट किया तो ये सारे आपके ऑब्जेक्ट दिखेंगे। आपने क्या बनाया, आपने क्लास बना लिया, आपने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम मेथड कैसे बनाते हैं, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, CLASS क्लास ABC करता हूँ, ABC, ठीक है। void वी void void डिस्प्ले नाम से एक मेथड बनाता हूँ, डिस्प्ले डिस्प्ले करके, है ना। और इसको प्रिंट करता हूँ कुछ इसको, यस डॉट प्रिंट। ये क्या है, प्रिंट करने के लिए है ना। कंसोल में इसमें हेलो लिखो आप, हेलो, ठीक है। और कर ली ब्रेसेस ओपन कर ली, सॉरी क्लोज, जैसे क्लोज, ठीक हो। तो देखो यहाँ पे एक आया रिप्लेस ABC, जो पहले वाला जो आपका क्लास था वो रिप्लेस हो गया, क्योंकि आपने अभी नया इसी नाम से बना दिया, है ना। तो अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी, उसे भी हमें फिर से दोबारा बनाना पड़ेगा, तो हम दोबारा बना लेते हैं, है ना। T1 एंटर किया, पहला बन गया, दूसरा एरो एरो बटन से आप इसे, आपको टाइप करने की दोबारा नहीं पड़ेगी जरूरत, सॉरी। ये तो हमारा पहले वाला आ गया जो मैंने आपको एग्जांपल में करके दिखाया था। दूसरा कर लो आप, दूसरा ऑब्जेक्ट आपका आ गया। तीसरा एरो बटन से आप राइट कर सकते हो, तीन बन गया, ठीक है। तो list करो, स्लैश स्लैश list करो। देखो ये कैपिटल से list से नहीं ले रहा है, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें स्मॉल करना पड़ेगा list। देखो जी, आपने क्या किया, एक आपने क्लास बना लिया, इस क्लास ABC बना लिया, आपने उसका एक मेथड बना दिया जिसका रिटर्न टाइप अभी कुछ भी नहीं है, वाइड रखा है आपने। आपने एक इसको प्रिंट करने के लिए आपने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लिख दिया, और आपने तीन ऑब्जेक्ट बना दिए, है ना। उसका रेफरेंस T1 T2 T3 हो गया, ठीक है। अब हम इसके मेथड को कैसे इन्वोक करेंगे, तो अब देखो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, T1 डॉट और जो मेथड का नेम है, तो यही तो हमारा मेथड का नेम है, तो लिख दो मेथड का नेम डिस्प्ले, ठीक है, एंटर। देखो जी हमें हेलो प्रिंट हो गया। तो आपका एक, आपने एक प्रोग्राम हेलो का आपने JSON में कर दिया, ठीक है, हेलो प्रिंट कर दिया। आप ऐसे ही हम दूसरे ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, है ना, दूसरे ऑब्जेक्ट से रेफरेंस है इन्वोक करेंगे, तो T2 डॉट डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले, ठीक है। तो इस तरह से हम, देखो दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, T3 करेंगे हम, है ना, डिस्प्ले डिस्प्ले, देखो आपने क्या किया सबसे पहले, अब ध्यान से फिर से देख लो, एक बार सुन लो। ये आपने क्लास बनाया, क्लास का क्या नाम है, क्लास बनाने के लिए क्लास लिखना पड़ता है यहाँ पे, और उस क्लास का नाम लिखना पड़ता है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन किया। ये आपने एक मेथड दिया जिसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, वॉइड है, नल है, है ना, और मेथड का जो सिग्नेचर होता है ऐसे होता है ना। इसको यहाँ पे प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते थे, है ना, ठीक है, कुछ भी प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे, जो स्ट्रिंग लिखोगे वह प्रिंट होगा। और आपने क्या किया, तीन ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पे, तीन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। फिर उसके बाद आपने मेथड को कॉल कर लिया, मेथड को कॉल करेंगे कैसे, रेफरेंस ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे, है ना। तो टी, ये ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्या होगा, T1 होगा, इसका क्या होगा, T2 होगा। तो एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं इंटरव्यू में, कॉमन इंटरव्यू का हो, बेसिक है काफ़ी और जानना जरूरी, क्या एक क्लास के नेम से हम, जो एक क्लास का नेम होता है, एक क्लास से कितने हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो आप एक क्लास जो है इससे हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, क्या जो क्लास का नेम होता है और ऑब्जेक्ट का नेम अलग अलग रख सकते हैं, नहीं, क्योंकि देखो आप ABC अगर दूसरा आप रखोगे यहाँ पे तो आपका एरर आएगा, ठीक है। अगर आप, आपको मैंने ऑलरेडी दिखाया था कि हमें एरर आ जाएगा, है ना।
तो इस तरह से हमने इस वीडियो में, मैं वीडियो को काफ़ी बड़ा नहीं करूँगा, बट फिर भी देखो आपने इसमें क्या क्या सीखा आप देख लो एक बार, है ना। तो इसमें स्लैश करके एग्जिट भी हो सकते हैं, एग्जिट, बट एग्जिट होने से पहले आप सेव भी कर सकते हो, है ना। तो स्लैश आप हेल्प कर लो, HELP, हेल्प। तो देखो आपको धीरे धीरे मैं ये सारे कमांड बता दूंगा, है ना, लिस्ट कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, ड्रॉप कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं। तो हमें जैसे जैसे रिक्वायरमेंट पड़ेगी हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। अभी तो हाल फिलहाल में अगर हम स्लैश लिस्ट करते हैं LIST करके, तो आपको पता चल जाएगा आपने अभी क्या काम किया। आपने काम किया है, आपने एक क्लास बना दिया है, उसके रेफरेंस ऑब्जेक्ट बना दिए हैं तीन, और उस ऑब्जेक्ट से, रेफरेंस ऑब्जेक्ट से आपने मेथड को कॉल कर लिया है, और ये आपके आउटपुट आ गया। तो इस तरह से आपने ये सीखा कि हम क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, और हम मेथड को कॉल कैसे करते हैं, ठीक है। आप अगर मुझे लिखोगे कि आप और वीडियो बनाओ तो ही मैं इसमें बनाऊंगा, बाकी मैं इसमें इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बहुत सारे जो भी इंडस्ट्री लेवल का चीज़ें हैं मैं आपको बताते रहूँगा। मेरे सेपरेट सेपरेट वीडियो हैं, आप देखते जाओ, मैं जो भी आपको शेयर करूँगा ये इंडस्ट्री का यूज होने वाली चीज़ें हैं, और ये हमें जानना बेहद ही ज़रूरी है अगर आप इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हो तो, ठीक है। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन, मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक है।